तो चौकी बराबर जाता रहा हूँ, मेरी कोई मदद नहीं हुई। फिर मैं अगले दिन थाने गया, थाने जाने के बाद मैंने अपनी रिपोर्ट दी, तो मेरी रिपोर्ट जो है उन्होंने कहा कि आप चौकी जाइए, मेरी बात हो गई है दरोगा जी से, आप थाने जाइए, आपकी रिपोर्ट चढ़ जाएगी। तो मैं अपनी रिपोर्ट लेकर चौकी गया, तो चौकी इंचार्ज साहब ने मेरी रिपोर्ट ले ली और मुझे जो है उस पर मोहर लगा के मेरी जीडी में वो करके और मुझे मोहर लगा के दे दी। जबकि अभी और मुझसे ये आश्वासन दिया था चौकी इंचार्ज साहब ने कि अगर ये आदमी जिनके खिलाफ तुमने ये तहरीर दी है, अगर ये आदमी देहरादून में आपको चमक जावे तो मैं इन्हें वहीं, तुम मुझे कॉल करो, मैं इन्हें पकड़ के लाऊँगा। तो उसके बाद परसों शाम 6 तारीख में वो दोनों गाड़ी इनामुल्ला बिल्डिंग में जो है रुकी हुई थी, खड़ी हुई थी, और मैंने जो है पहले 100 नंबर पर कॉल की तो 100 नंबर की पुलिस आ गई। मैंने उससे कहा इन गाड़ियों की मैंने तहरीर दे रखी है, इन्होंने अपहरण किया था, आप इन्हें ले जाइए थाने, इन्हें जमा करिए। तो उन्होंने कहा ये काम हमारा नहीं है, आप जहाँ आपने तहरीर दिया आप उन्हें फ़ोन करें, उन्हें बुलाएं। तो मैंने फिर जो है उन्हें फ़ोन किया तो मुझे चौकी इंचार्ज साहब ने ये कह दिया कि ये हमारा काम है, हम जांच कर रहे हैं, ये तुम्हारा काम नहीं है, हम पकड़े नहीं पकड़े ये हमारी मर्जी है, तुम्हारा कोई इससे मतलब नहीं है, और अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच नहीं हुई है, अभी जैसा हम करेंगे वैसा करेंगे। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब मैं साफ इंसाफ चाहता हूँ, मेरी तहरीर लिख ली जावे, और अगर वो फर्जी हैं तो उन पर FIR लगा दी जावे, और अगर फर्जी नहीं है तो जेल जावे।